Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudham D. This is my second video of chapter 3, Consumer Equilibrium, Microeconomics. In the previous video, I am already discussed about two topics. First topic is about utility and the types of utility, and the second question, the law of diminishing marginal utility. So in this video, I am starting a new question, new topic, what is mean by consumer equilibrium and states its condition in case of single commodity. ये question देखकर भारी लग रहा होगा, पर बिल्कुल ये बहुत आसान question है. चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर हमें इस question को कैसे बनाना है. So, first we have to understand about consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? A consumer is said to be in equilibrium. एक consumer को आप equilibrium कह सकते हैं. Equilibrium का मतलब यहाँ संतुलन होता है. संतुलन मतलब आपका satisfaction हमेशा price के बराबर होना चाहिए. उसे हम लोग संतुलन कहते हैं economics की भाषा में. When he is spending his income in various goods such a way that maximize his satisfaction. मान लीजिए कि आपके पास जो भी income है और आप उसके खर्च करते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, मैक्सिमम पर सेटिस्फैक्शन मिलता है. मान लीजिए आप एक बुक स्टोर गए और आप वहाँ पे बुक्स को खरीदें, पेन को खरीदें, और आप जितने भी पैसा दिए आपको सेटिस्फैक्शन मिला, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उससे ज़्यादा मुझे क्वालिटी मिला है, उससे अच्छा मुझे गुड्स मिला है, उससे अच्छा मुझे बुक्स मिला है, उससे अच्छा मुझे पेन मिला है. तो जब आपको आपके प्राइस का या मनी का वैल्यू रिकवर हो जाए तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलियम कहलाता है. और जब आपका प्राइस का वैल्यू रिकवर नहीं हो तब आप उससे कंज्यूमर इक्विलियम नहीं कह सकते हैं. मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे मैं 10 रुपये का आइसक्रीम खा रहा हूँ और मुझे 10 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन दे, मुझे लगे कि हाँ ये 10 रुपये के बराबर आइसक्रीम है, तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर इक्विलियम है. कंज्यूमर मतलब ग्राहक, इक्विलियम मतलब संतुलन. आप यहाँ समझ चुके होंगे कंज्यूमर इक्विलियम. सो कंज्यूमर इक्विलियम को अब हमें दिखाना है स्टेट इट्स कंडीशन इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. सिंगल कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए आपके पास जो भी इनकम है आप उसे पार्टिकुलर सिर्फ एक ही वस्तु पे खर्च करते हो. जैसे अगर या फिर आप पिज्ज़ा खा रहे हो तो पिज्ज़ा पे खर्च कर रहे हो, या बर्गर खा रहे हो तो बर्गर पे खर्च कर रहे हो, या आइसक्रीम खा रहे हो तो आइसक्रीम पे खर्च कर रहे हो, या कोई भी इस वस्तु को आप खरीदते हो तो आपका इनकम सिर्फ एक ही वस्तु पे खर्च होगा. आपका इनकम बहुत सारा वस्तुओं पे भी खर्च हो सकता है, बहुत सारा कमोडिटी भी खर्च हो सकता है, और एक तरह का भी कमोडिटी भी खर्च हो सकता है. हमारा जो क्वेश्चन है वो दो तरह का होगा. एक ये क्वेश्चन हो गया जिसमें कंज्यूमर इक्विलियम को दिखाना है सिंगल कमोडिटी में, और एक और क्वेश्चन होता है जिसमें कंज्यूमर इक्विलियम को दिखाना है टू कमोडिटी पे, जहाँ पे हमारा इनकम दो कमोडिटी पे ही जाएगा और हमें वो दिखना है कि किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन मिलेगा. मतलब आपको यहाँ पे ये मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कितना पीस खरीदेंगे गुड्स को, चाहे वो आइसक्रीम हो या बर्गर हो या पिज्जा हो, कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और आप उसके बाद रुक जाए. तो इन चीज़ों को जो हमारे लाइफ से जुड़ा है उसे मैं आपको प्रैक्टिकली थ्योरिकली समझाने जा रहा हूँ. ये चैप्टर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमें समझना पड़ेगा. आते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. कंज्यूमर इक्विलियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इज अटेंड व्हेन एमयू ऑफ कमोडिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू इट्स प्राइस. ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? आपको ये थ्योरी बिल्कुल समझ में नहीं आया. अब हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताता हूँ कि ये आखिर ये थ्योरी बोल क्या रहा है, ये एक्चुअल में इसका आंसर हो गया, ठीक है? अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मैंने एक आइसक्रीम खाया, ये आइसक्रीम मान लीजिए आप मेरा ये आइसक्रीम है, एक खाया तो उसमें जो एमयू मिला मुझे 20 मिला, दो खाया तो मुझे 16 मिला, तीन खाया तो मुझे 13 मिला. पिछले बार जो कॉन्सेप्ट किया था वही कॉन्सेप्ट को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पहला आइसक्रीम आपको पहला 20 सेटिस्फेक्शन देता है, 20 यूटिल, दूसरा आइसक्रीम आपको 16 यूटिल देता है, और तीसरा 3 यूटिल देता है, क्योंकि यूटिलिटी हमेशा कम होते रहता है, सेटिस्फेक्शन हमेशा कम होता रहता है. बट आप एक बात बताइए,
यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि एक आइसक्रीम खाए हमको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन दिया। अगर मैं किसी आइसक्रीम वाला को बोलूँ कि मैंने तुम्हारा जो आइसक्रीम खाया एक टू और मैंने तुम्हें जो 10 रुपये दिया है वो मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन दिया, मैंने तुम्हारे 10 रुपये से भी ज़्यादा दिया है, तो वो क्या समझेगा? वो कुछ भी नहीं समझेगा, वो बोलेगा क्या बोल रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, जिसे हम यूटिलिटी में कहते हैं या जिसे हम यूटिल से मेजर करते हैं, उससे उपयोगिता को मेजर करते हैं, उसे हम लोग को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो इंसान समझेगा। अगर हम उस इंसान को आइसक्रीम वाला को ये बोले कि तुम्हारा जो 10 रुपये का आइसक्रीम मैंने खाया वो 10 रुपये का बराबर मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, मुझे लगता है कि ये 10 रुपये का बराबर है, तब वो समझेगा कि हाँ रुपीस। जब मैं वर्ड रुपीस का यूज़ करूँगा, जब मैं वर्ड मनी का यूज़ करूँगा, तब आपका वहाँ पे वो समझ में आएगा कि हाँ कि आप ये सेटिस्फेक्शन को रुपीस में बोलेंगे, तब आपको कंपेरिजन करने में उसको आसान होगा। जब मैं सिर्फ सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करूँगा कि एक आइसक्रीम खाया 20 यूटिल दिया, वो क्या समझेगा? मैं बोलूँगा एक आइसक्रीम खाया हूँ जिसका दाम 10 रुपया और मुझे 20 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन देता है, तब वो समझेगा। याद रखिएगा, तो यहाँ मैं MU को जो हूँ, MU एक और MU बनाऊँगा जिसमें मैं MU को रुपीस में बदलने वाला हूँ। तो ये रुपीस में आखिर कैसे बदलेगा, इसे भी मैं समझाता हूँ कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो रुपीस में कैसे बदलेगा, उसमें भी जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यूटिल को मैंने बताया था, यूटिल मतलब एक मेजरमेंट हो गया सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आखिर ये मेजरमेंट मैं कैसे करूँगा? मैं एक यूटिल इक्वल टू 1 रुपया मान लेता हूँ कि एक यूटिल मतलब एक सेटिस्फेक्शन और एक सेटिस्फेक्शन इक्वल टू 1 रुपया, मतलब अगर 20 सेटिस्फेक्शन है तो 20 रुपया, 16 सेटिस्फेक्शन है तो 16 रुपया, 10 सेटिस्फेक्शन है तो 10 रुपया। अब यहाँ पे बहुत क्लियर है, आइसक्रीम का दाम तो बदलने वाला नहीं है। पहला आइसक्रीम खाओगे तब भी 10 रुपये लगेगा, दूसरा खाओगे तब भी 10 रुपये लगेगा, तीसरा खाओगे तब भी 10 रुपये ही लगेगा, ये मान लीजिए इसका प्राइस है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आइसक्रीम जिसका दाम 10 रुपये था आपको 20 रुपये सेटिस्फेक्शन दिया, बहुत अच्छा बात। दूसरा जो आप 10 रुपये खा रहे हैं वो आपको 16 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा बात है। फिर आप एक और 10 रुपये का खाए लास्ट वाला, वो भी आपको 10 रुपये का बराबर दे रहा है। जब 10 का 10 बराबर दे दें तब तो वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। मैं आपको फिर से आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आप इसको समझें मैंने इसको कैसे किया। मान लीजिए ये आइसक्रीम है मेरा, आइसक्रीम 1, 2, 3 और ये हमारा MU है 20, 20, 30, 16 and 10। एंड व्हेन आई कन्वर्टेड द MU इनटू MU रुपीस, इसको रुपीस में मैं बदल देता हूँ, तो मैं देखिए करने का चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपया, तो 20 यूटिल इक्वल टू 20 रुपया और 16 इक्वल टू 16 रुपया, 10 इक्वल टू 10 रुपया, तो यहाँ पे याद रखना। और साथ में मैं इस आइसक्रीम का प्राइस भी ले लेता हूँ कि आप एक खरीदोगे तभी 10 रुपये लगेगा, 2 खरीदोगे तभी 10 रुपये लगेगा, 3 खरीदोगे तभी 10 रुपये लगेगा और 4 खरीदोगे तब भी 10 रुपये लगेगा, पर आपका सेटिस्फैक्शन क्या होना होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। जैसे कि 4 खरीदोगे 6 हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने जा रहा हूँ, आप समझिए। ये MU सिर्फ सेटिस्फेक्शन है और ये MU मेरा हमारा रुपीस में कन्वर्ट है और ये प्राइस तो ऑलरेडी रुपीस में रहता है, तो कंपेरिजन हम ये दोनों में करेंगे। ये दोनों में नहीं होगा। देखिए एक आइसक्रीम खाए 20 सेटिस्फेक्शन दिया, बहुत अच्छा बात, मैं आइसक्रीम और खाऊंगा या आइसक्रीम का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। 10 रुपये का आइसक्रीम 16 दे रहा तब भी लोग आइसक्रीम खाएंगे, 10 रुपये का आइसक्रीम 10 रुपये देगा बराबर हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, 10 का आइसक्रीम 10 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन, इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, समझिएगा। यहाँ संतुलन हो गया, जब 10 रुपये का आइसक्रीम और 10 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन दें तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आगे मैं बढ़ूँ, आपका प्राइस 10 रुपया है और आपको सेटिस्फेक्शन 6 हो गया क्योंकि आप ज़्यादा यूटिलिटी ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हो तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो यहाँ पे चौथे लेवल पे क्या करोगे, आप रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे कंजप्शन, आप आइसक्रीम खाना बंद कर दोगे क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, आपको फ़ायदा नहीं है, तो डेफिनेटली आप वहाँ क्या करोगे, इसे ड्रॉप कर दोगे। तो याद रखिएगा हमारा ये जो थर्ड यूनिट है जहाँ पे हमारा MU इक्वल टू प्राइस हो जाता है, 10 पे 10 हो जाता है, वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे, तो इसके समझाने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला भी लिखा गया है, MUX इक्वल टू PX। MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मेरा आइसक्रीम हो सकता है, बर्गर हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, मैटर नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है कमोडिटी, कुछ भी, कोई भी कमोडिटी।
तो यहाँ पे किसी भी कमोडिटी का आप सेटिस्फेक्शन ले लीजिए और उस कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस से बराबर कर दीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तब वहाँ क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया 10 रुपये का आइसक्रीम में 10 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन दे जो थर्ड यूनिट पे हुआ, तीसरे आइसक्रीम पे हुआ था, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे इतना मेहनत करना है। चलिए आते हैं हम लोग समझते हैं। नॉर्मली MU एक्सप्रेस इन द यूटिल, MU को यहाँ कहा गया है कि यूटिल में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मीटर को लेंथ को मीटर में करते हैं, वेट को केजी में करते हैं, उसी तरह MU मतलब सेटिस्फेक्शन को यूटिल में करते हैं। एंड द प्राइस इज एक्सप्रेस इन द मनी, बिल्कुल प्राइस तो मनी में ही होता है। बोथ ऑफ दिस MU एंड द प्राइस इज कंपेयर ओनली वेन, दोनों को तभी कंपेरिजन कर सकते हैं प्राइस को और सेटिस्फेक्शन को मतलब MU को, जब जब वेन MU इन यूटिल इज एक्सप्रेस इन मनी, जब आप MU को मनी में इंडिकेट करोगे। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक यूटिल इक्वल टू मैंने ले लिया 1 रुपया, तब आप यहाँ पे होगा 10 यूटिल इक्वल टू 10 रुपया, 20 यूटिल इक्वल टू 20 रुपया, जब भी मैंने थोड़ा देर पहले आपको कन्वर्सन करके बताया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप 1 रुपया ले, आप 2 रुपये भी ले सकते हैं, बट टेबल डायग्राम आप बदलिएगा नहीं, चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बना। आप बदल सकते हैं पर आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है। टेबल डायग्राम हमारा ही फॉलो करें और या फिर बुक का फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अगला चलते हैं, यहाँ पे भी क्लियर है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ दिखाया भी गया है 1 रुपया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसे हम बहुत ही बेहतरीन से टेबल और डायग्राम से दिखाने वाले हैं। तो आप इस टेबल और डायग्राम को समझिएगा, ठीक है, कि आखिर ये है कैसे। देखिए यहाँ लिखा है द इकोनॉमिक ड्राइव एंड इमेजिनरी मेजर फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एज यूटिल, यूटिल के बारे में बताया गया है, जो इकोनॉमिक्स है वो एक इमेजिनरी मेजर किए हैं, जैसे कि हम जानते हैं लेंथ के लिए मीटर होता है, इमेजिनरी नहीं है, वेट के लिए केजी होता है, इमेजिनरी नहीं है, बट सेटिस्फेक्शन के लिए यूटिल होता है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी काल्पनिक है, उसके द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यूटिल मान रहे हैं, मतलब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने के लिए यूटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रेडी होते हैं और ये जो जितना भी हमारा जो टेबल है उसे अच्छे तरह से समझते हैं। देखिए मैं इसे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ एक्स मतलब आइसक्रीम, ये हो गया आइसक्रीम का दाम, ये हो गया इस पर सेटिस्फेक्शन मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ MU x मतलब रुपीस में, जो मैंने MU को MU रुपीस में बताया था वो अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया था, और ये डिफरेंट बताऊंगा मैं, ठीक है। अब समझिएगा एक करके, मान लीजिए एक आइसक्रीम खाया 10 रुपये का है, एक आइसक्रीम खाया 10 रुपये है, अब वो हमें सेटिस्फेक्शन 20 रुपये देता है। अब मैंने बताया था कि सेटिस्फेक्शन को रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एक यूटिल को देखिए 1 रुपया मान लिया हूँ, जिसके अनुसार मेरा 20 यूटिल इक्वल टू 20 रुपये हो गया, फिर 10 का आइसक्रीम 16 दिया, तो वहाँ पे भी यूटिलिटी हमारा जो MU रुपीस में आएगा वो 16 आएगा, ये 10 तो ये 10, ये 4 ये तो 4, मतलब देखा जाता है। अभी थोड़ा देर मैंने पहले बताया था आपको कि MU को MU रुपीस में बदल सकते हैं, मतलब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है उसको सेटिस्फेक्शन में बदल सकते हैं एक यूटिलिटी इक्वल टू 1 रुपया मान के, ठीक ना। तो आप यहाँ समझ जाइए यहाँ पे कि ये हमारा जो है बहुत ही मेन थीम है, 20 है तो 20 रुपया, 20 सेटिस्फेक्शन है तो 20 रुपया, 16 है तो 16 रुपया, 10 है तो 10 रुपया, तो इस तरह से आप मानिए। अब चलिए अब मैं आपको कंपेरिजन समझाता हूँ। मैंने एक आइसक्रीम खाया जिसका दाम 10 रुपया है, अब मुझे सेटिस्फेक्शन 20 रुपये का बराबर दिया, मतलब क्या हुआ आपको 10 रुपये फायदा है। ये है डिफरेंस MU x एंड PX में। फिर आप 10 रुपये का आइसक्रीम एक और खाते हैं तो आपको 16 रुपये देता है, फिर भी यहाँ पे 6 दिखा रहा है, मतलब बढ़ रहा है आपका सेटिस्फेक्शन, कहाँ पे बराबर हो गया चलिए देखते हैं। 10 रुपया है और आपको 10 रुपया ही दे रहा है, देखिए यहाँ 0 हो गया, 0 मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 10 रुपया है तो 6 रुपये दे रहा है आपको, 4 दे रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नीचे में नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कहाँ होगा यहाँ पे होगा, जहाँ पे दस दोनों ये क्या होगा बराबर हो जाएगा, जितना प्राइस है उतना आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाए। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा ये जो डायग्राम है देख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो है यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है MU x एंड PX का, मतलब
हमारा प्राइस सेटिस्फेक्शन कितना मिला, प्राइस कितना था 10 रुपये पर क्या था। देखिए मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 रुपये का चीज़ हमें 20 रुपये सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 10 रुपये का कोई चीज़ है जो हमें 20 सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब 10 रुपये ज़्यादा देता है। 10 रुपये को कुछ चीज़ हमको 16 रुपये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है तो 6 रुपये ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम यू एक्स जो है हमारा पी एक्स से ज़्यादा है, मतलब सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा है। तो वहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, ग्राहक क्या करेगा, वो कंजप्शन को बढ़ा देगा, मतलब और आइसक्रीम खाएगा और बर्गर खाएगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो वो और बढ़ाएगा। मतलब आपको अगर आपको प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आप उस समय क्या करोगे, कंजप्शन बढ़ाओगे। ये मैं बता रहा हूँ 3 पॉइंट। फिर अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये का सामान है और 10 रुपये ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया। इस पॉइंट को ही जब 10 रुपये का चीज़ 10 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन देने लगे तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, क्लियर है। अब उसके बाद भी मैं देखता हूँ यहाँ नीचे देखिए, यहाँ आपका नेगेटिव चलने लगा, मतलब यहाँ पे एम यू एक्स सेटिस्फेक्शन कम हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया। 10 का प्राइस है, 4 रुपये का बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कर दोगे? नहीं, नहीं कर देंगे। क्यों कर देंगे, जब सेटिस्फेक्शन कम दे रहा है तो हम क्यों कर दें, हमें महंगा लग रहा है वो गुड्स, हम क्यों कर दें। तो वहाँ पे कंज्यूमर क्या करने वाला है, अपना कंजप्शन को डिक्रीज कर देगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज, ठीक है। तो आप समझिएगा यहाँ पे, और ये मैंने जो ऊपर में भी डील किया है, आप यहाँ पे रिमार्क देख सकते हैं और इस टेबल को अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वही चीज़ को लिखा है, डिफाइन करने की कोशिश किया है, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप बढ़िया से। देखिए एम यू एक्स पी एक्स इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, मतलब एम यू किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। उस समय क्या होगा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और उसको अगर एम यू अगर छोटा रहेगा प्राइस से तो कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए रिड्यूस कर गया यहाँ पे कंजप्शन, अब वही एम यू ज़्यादा रहेगा तो इंक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए एम यू ज़्यादा है तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तीनों बात को मैंने, ये जो रिमार्क है उसे यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, आप उस रिमार्क के बाद नीचे में कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए अब हमें इसे डायग्राम के अनुसार भी बनाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टफ नहीं है, टफ नहीं कह सकते इसे, बस ये 3 फेज दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे समझे, टफ नहीं है ये। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमेशा यूनिट जाएगा, एक्स एक्सिस में हमेशा जाएगा आपका एम यू। और आपको याद था एक यूनिट जब आप यूज किए थे आपको 20 सेटिस्फेक्शन दिया था, दूसरा यूज किए तब 16 दिया था, तीसरा यूज किए तब आपको 10 दिए थे। तो इस तरह से ये आपका एम यू क्या चला गया, नेगेटिव चल गया। और आपको इस तरह का डायग्राम बनाने आता है, पर आपको यहाँ नया चीज़ दिखने मिलेगा, प्राइस। प्राइस जानते हैं आप, प्राइस को मैं भी दिखाता हूँ। देखिए एक आइसक्रीम पे 10 रुपये प्राइस है, मतलब आपका 8 और 12 के बीच में 10 आता है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है कि प्राइस रहेगा, 4 पे भी 10 रहेगा। आप कितना आइसक्रीम खाइए, प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए लाइन सीधा गया। पर एम यू क्या होता है, घटते जाता है, इसलिए लाइन नीचे जाता है और नेगेटिव हो जाता है। और जहाँ जो घटता है वहीं आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स कहलाता है। तो आप भूले नहीं, क्लियर। सो इन द डायग्राम एम यू कर स्लोप डाउनवर्ड, एम यू कर क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, सीधे जा रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई, जहाँ पे आपका प्राइस, जहाँ प्राइस काटता है और एम यू काटता है उसको हम लोग ई बोलते हैं, ई मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। और बोल रहा है व्हेन ही कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ एक्स, जब वो तीसरा यूनिट यूज करता है, तीसरा यूनिट मतलब यहाँ देखते हैं तीसरा यूनिट जो है, तब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। मतलब आप यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए ये डायग्राम है हमारा, देखिए ये ई पे तो इक्विलिब्रियम हो रहा है और ये ई जो है तीसरे यूनिट पर रहा है। मतलब जब आप तीसरा यूनिट आइसक्रीम का खाते हो तो आपका क्या होता है, प्राइस और एम यू बराबर हो जाता है। आप इसको टेबल से भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए टेबल है हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, देखिए ये तीसरे पे यहाँ देखिए बराबर है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना। तो ये टेबल में भी दिख रहा है और डायग्राम में भी दिख रहा है, और डायग्राम को मैंने डील भी कर दिया। अब कुछ सवाल है जो और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसी क्वेश्चन से बनाया गया है उसे भी हमें समझना पड़ेगा। पर ये तब तक आप समझ नहीं सकते जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी नहीं बताते, क्योंकि यहाँ 2 कमोडिटी का बात किया गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी के साथ है, तो मैं उसे उस वीडियो में आपको अच्छे से डील करूँगा कि आप कैसे करोगे ना।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलियम से रिलेटेड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर इक्विलियम, स्टेट इज कंडीशन इन केस ऑफ टू कमोडिटी। जैसे मैंने अभी एक कमोडिटी के साथ आपको बताया था, आइसक्रीम के साथ बताया था, अब मैं आपको दो कमोडिटी के साथ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन 6 मार्क्स पे आता है बोर्ड में, आप इसे जान लीजिए। हमारा दो ही क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत जरूरी है, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी। इसमें देखते हैं कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमेशा कंज्यूमर जो है दो गुड्स को लेकर चलेगा, ये भी कंज्यूमर इक्विलियम है, पर यहाँ पे हमको कंज्यूमर इक्विलियम टू कमोडिटी पे दिखाना है, ठीक है। चले जाते हैं, अब हम लोग समझते हैं कंज्यूमर इक्विलियम, हम लोग जानते हैं कंज्यूमर इक्विलियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी अंडर द यूटिलिटी कंज्यूमर कन अटेन इक्विलियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच वे दैट द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी यूटिल इट्स टू प्राइस इज इक्वल टू इट्स रेशियो ऑफ एम यू एंड द अदर कमोडिटी टू द प्राइस। आपको ये कुछ भी लाइन समझ में नहीं आया होगा। पहला बात, आपको सबसे पहले टेबल और डायग्राम समझना पड़ेगा। आप टेबल और डायग्राम समझ गए तो ये थ्योरी भी समझ में आ जाएगा। आपको बता दें माइक्रो जो है टेबल और डायग्राम पे बेस्ड है, जितना टेबल और डायग्राम आप समझते हैं उतना ही थ्योरी आसान हो जाता है। इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया है, मैंने टेबल और डायग्राम को पहले डील किया बाद में थ्योरी पे आया है। आप याद रखिएगा, मैं पढ़ तो लूँगा इसे और आप भी पढ़ लोगे, पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो उसे समझने के लिए अच्छे से हमें टेबल और डायग्राम समझना पड़ेगा। चलिए आते हैं टेबल और डायग्राम में। चलिए ये डायग्राम को आपको मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ये टू कमोडिटी को लेकर भी मैं कंज्यूमर इक्विलियम को अच्छे से समझाने वाला हूँ। मान लीजिए हमारा जो इनकम है मनी इनकम, जिसको मैंने यहाँ पे एम यू एम से इंडिकेट किया है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो 50 रुपया है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 50 रुपया है, सिर्फ थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। और यूनिट ऑफ एक्स को पिज्जा मान लेते हैं जिसका दाम 10 रुपया है, और यूनिट ऑफ वाई को बर्गर मान लेते हैं जिसका दाम 5 रुपया है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्या दिक्कत, 5 रुपये तो बर्गर तो होता नहीं है, पिज्जा भी 10 रुपये का नहीं होता है, और ना ही आपके पास 50 रुपये इनकम है सिर्फ जो पिज्जा खाने या बर्गर खाने आप 50 रुपये लेके जाएंगे। आप 500 मान लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा ना। अब चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये टेबल समझाने के लिए है कि मुझे आखिर कंज्यूमर इक्विलियम कैसे मिलेगा। ये दोनों गुड्स पे मैं कितना पिज्जा खाऊं या कितना पिज्जा खाऊं या कितना बर्गर मैं लूँ या बर्गर खाऊं कि मुझे कंज्यूमर इक्विलियम मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब एक कंज्यूमर अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करे दो वस्तुओं पे, किसी को यूनिट ज़्यादा भी हो सकता है, किसी को यूनिट कम भी हो सकता है, और आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। जैसे ये भी हो सकता है कि 50 रुपये में आप एक पीस बर्गर खा लिए जो 10 रुपये, या दो पीस बर्गर खा लिए जिसका दाम 20 रुपये हो गया, और 6 पीस आप घर के लिए बर्गर ले गए, या 2 पीस बर्गर ले गए और 4 पीस आप उसको यहाँ 6 पीस आप बर्गर सॉरी 2 पीस आप पिज्ज़ा ले गए और 4 पीस 6 पीस क्या कर गए आप बर्गर ले गए। तो 2 पीस पिज्ज़ा का हो गया 20 रुपया, 6 पीस बर्गर का हो गया 30 रुपया, तो 20 और 30 50 खत्म पैसा। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको ये तय करना है कि आपको सेटिस्फेक्शन कब मिल रहा है। एक और सवाल है, या फिर आप 3 पिज्ज़ा खरीद सकते हैं जिसमें आपको 30 रुपये लग गया, 4 बर्गर खरीद लिए जिसमें 20 रुपये लग गया, क्या यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब आपको ये चेक करना है कि आखिर हमें सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा। तो इसे मैं अच्छे से प्रूव करने के लिए बताने के लिए एक टेबल का डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे आपका कंज्यूमर इक्विलियम को अटेंड करते हैं। चलिए इसे मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये डायरेक्ट टेबल है, ठीक ना, और ये हमारा टेबल हो गया। हमने तो समझ लिया कि हमारे पास 50 रुपये है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मान ली एक यूनिट, यहाँ लिखा है एम यू एक्स क्या है, मेरा पिज्जा है, एम यू वाई मेरा क्या है, बर्गर है। मतलब आप एक पिज्जा खाते हैं तो आपको 200 सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप एक बर्गर खाते हैं आपको 50 रुपये सेटिस्फेक्शन मिलता है। एम यू क्या है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन है, अभी मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया है, तो ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन है। पिज्जा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, बर्गर से कम मिलेगा, 50 मिलेगा मिलेगा। सेकेंड आप पिज्जा खाते हैं दूसरा, तो आपको 150 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वहीं आपको उसको 25 का सेटिस्फेक्शन मिलता है बर्गर। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि हर यूनिट पे पिज्जा कितना सेटिस्फेक्शन देगा, हर यूनिट पे बर्गर कितना सेटिस्फेक्शन देगा, उससे यहाँ पे ये पूरा तैयार हो जाता है, ये पूरा इसी को डील कर रहा है। अरे एक दिन नेगेटिव भी जा सकता है सेटिस्फेक्शन,
तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को मैंने बता दिया। अब मैं सेटिस्फेक्शन को तब तक कंज्यूमर इक्विलियम नहीं बता सकता हूँ जब तक उसे रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जा सके। तो आपको याद होगा पिज्जा का दाम 10 रुपया है, तो ये सेटिस्फेक्शन को 10 से डिवाइड कर दीजिए। बर्गर का दाम 5 रुपया है, तो ये सेटिस्फेक्शन को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, आप जैसे डिवाइड करोगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगा सब डिवाइड करके। अब ये लाइन मैंने क्यों खींचा है, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, देखिए इसका 10 और इसका 10, इसका 10 और इसका 10, इसका 10 आपका 1 पे आया, इसका 10 आपका 3 पे आया। मतलब ये बताना है कि वाई क्या इंडिकेट करता है, बर्गर। एक्स क्या इंडिकेट करता है, पिज्जा। तो पिज्जा का 10 और बर्गर का 1। अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये MUM का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है PX इंटू PQ प्लस PY इंटू QY, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं साबित क्या करना चाहता हूँ, अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। देखिए MUM का जो फॉर्मूला है वो है PX QX प्लस PY QY, यही फॉर्मूला है ना। अब अच्छे से देखिएगा, मान लीजिए ये कहाँ पे दोनों मैच किया है, यहाँ पे दोनों मैच किया है। और जब आप एक बर्गर लेते हो तो 10 रुपया आया, जब 3 पिज्जा लेते हो तो 10 आया। 10 यहाँ 10 रुपया नहीं है, ये 10 ये क्या रहा है, मैच कर रहा है सेटिस्फेक्शन हमारा जो रुपीज़ में आया है पिज्जा और बर्गर का। एक कॉमन सेंस पे काम हो रहा है कि कहाँ पे इसका सेटिस्फेक्शन इसका सेटिस्फेक्शन रुपीज़ में बराबर आ जाता है, ठीक है। तो देखा जाए कि जब आप एक बर्गर खरीदोगे और 3 पिज्जा खाओगे तो वहाँ पे 3-3 आ गया, मतलब सेटिस्फेक्शन क्या यहाँ बराबर हो सकता है क्या, ये बताना पूछना चाहता है वो। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, देख सकते हैं आप कि हमारा PX QX क्या है, वो पिज्जा का दाम है और पिज्जा मेरा 3 यूनिट दिखा रहा है यहाँ पे, 3 पे 10 आया है। तो 3 इक्वल इंटू 10, यहाँ पे मैं फार्मूला के अनुसार लिख देता हूँ। और बर्गर का दाम है, बर्गर 1 पे आया, बर्गर का दाम 5 रुपया है, तो 5 इंटू 1, मतलब आपको यहाँ पे ये जो 10 है ना वो कितने यूनिट पे आया है, दोनों का जो आया है, एक 3 पे आया, एक पे आया है, उसको दिखाना है। तो यहाँ देखिए तो अब तो 30 रुपया हो गया, और यहाँ पे देखिए 5 रुपया हो गया, मतलब 35 रुपया हो गया। तो आपके पास तो 50 रुपया था और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन 35 रुपये बराबर दिखा रहा है। मतलब जब आप एक बर्गर खरीदते हो और 3 पिज्जा खरीदते हो तब आपको सेटिस्फेक्शन 35 रुपये के बराबर मिलेगा। मतलब कंज्यूमर क्लेम हो सकता है ना, जब 50 रुपये के बराबर दे तब होगा। तो इसको ड्रॉप करते हैं, अगले में आते हैं। अगला देखिए, अब हमारा एक और है जिसमें 5-5 आ गया, जिसमें 5-5 कब आया, जब पिज्ज़ा 4 है और बर्गर 2 है। चलिए इसे हम देख लेते हैं, इसको भी फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, MUM इक्वल टू PX QX प्लस PY QY, यही फॉर्मूला है। चलिए हम इसे देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये बर्गर जो है आपका 5 जो है 4 पे आया है, सॉरी पिज्जा 4 पे आया है, बर्गर 2 पे आया है। चलिए देखते हैं प्राइस, हमारा पिज्जा का 10 है इंटू 4 कर देते हैं, प्राइस हमारा जो है बर्गर का 5 है, इसको हम लोग 2 कर देते हैं। तो ये हो गया 40, ये हो गया 10 और ये हो गया 50। मतलब कंज्यूमर क्लेम आपको तब मिलेगा जब आप पिज्जा 4 पीस कर देंगे और बर्गर 2 पीस कर देंगे। अपने घर के लिए खरीदिए, खुद के लिए खरीदिए, फ्रेंड को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर कंज्यूमर क्लेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको समझ में आया मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बस इस जो बराबर आया कॉमन उसे मैं कंज्यूमर क्लेम को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो इनकम है वो कब सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाएगा, तब यहीं पे होगा। मतलब कि जब आप पिज्जा 4 पीस खरीदोगे और बर्गर 2 पीस खरीदोगे तभी बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा, ठीक है। चल आगे आपको मैं बता देता हूँ प्रूफ के लिए, जैसे कि यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये 2 5 पे है, 3 पे है। तो चलिए दिखा देते हैं, 10 रुपया का दाम, 10 रुपये कितना दाम है पिज्जा का, जिसको आप 2 पीस खरीदते हैं, सॉरी 5 पीस खरीदते हैं, और उसका दाम है आपका 2 रुपया, सॉरी 5 पे दाम है और आप उसको 3 पीस खरीदते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया 50 रुपया और यहाँ हो गया 15 रुपया, तो ये तो 65 रुपया हो गया। यहाँ भी कंज्यूमर इक्विलियम कैसे मिलेगा, ये तो आपके इनकम से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर इक्विलियम मिल सकता है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहा है कोई दिक्कत नहीं लॉजिक के अनुसार, बट यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा अगर सेटिस्फेक्शन दे रहा है कम हो रहा है तो वो कंज्यूमर इक्विलियम तो निकल आएगा, वो कंज्यूमर इक्विलियम से मोर कहला गया, ठीक है। और ज़्यादा कंज्यूमर इक्विलियम होने पे डेफिनेटली एक दिन सेटिस्फेक्शन घट ही जाता है, आप ये भी नहीं भूलें, ठीक ना। चलिए
अब यहाँ पे कहा गया, इट इज एविडेंस फ्रॉम द टेबल दैट इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम यूटिलिटी। अच्छा, इसी को समझाने से पहले तो मुझे इसको इसका जो थ्योरी है वो समझाना पड़ेगा, है ना। तो थ्योरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, थ्योरी में बस इतना लिखा गया है कि आप अपने पैसों को इस तरह से खर्च करते हो कि आपका जो सेटिस्फैक्शन और प्राइस है बराबर हो जाता है। ठीक है, यही कहा गया है, आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं आप, यहाँ पे एम यू एक्स बाय पी एक्स, मतलब कि जितना आपको याद होगा एक्स का, एक्स मतलब क्या, बर्गर पिज्जा, पिज्जा का सेटिस्फैक्शन पिज्जा के प्राइस से डिवाइड करेंगे और बर्गर का प्राइस को बर्गर से डिवाइड करेंगे। और जब दोनों बराबर हो जाता था, जैसे कि 10 पे 10 हुआ था, 5 पे 5 हुआ था, 2 पे 2 पे हुआ था, तो उसी बेसिस पे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाले थे, याद होगा आपको। तो आप समझ जाइए ये फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करने गया है कि जब ये दोनों बराबर होता है तब ही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। पर वो भी केस है कि कहाँ पे आपका इनकम बराबर हो जाए, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन से हमें यही पता चलता है, यहाँ पे यही लिखा गया है एविडेंस में कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो अगर आप बर्गर 4 यूनिट खरीदते हो, ठीक है, तब आपको मिलेगा, और आप पिज्जा 2 यूनिट खरीदते हो तब आपको मिलेगा, ठीक ना। ये कहा गया, आप देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए एट 4 यूनिट जो एम यू था आपका एक्स का, वो 50 से 5 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 यूनिट पे भी एम यू जो 25 है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तब आपका ये देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। ये टेबल को ही बनाया गया है, कुछ और नहीं है। आप इसको टेबल को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिखने के बाद भी आपको समझ में आ सकते हैं। ठीक है, मैंने फार्मूला को फिर से रिपीट किया है तो इसमें कुछ नया खास बात तो नहीं है। और ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लें। ये देखिए जरा ध्यान से, इस तरफ से आपका एम यू एक्स है और पी एक्स है, इस तरफ से आपका एम यू वाई और पी वाई है। तो मैंने इस डायग्राम को पहले इस तरह से बनाया, मतलब मैंने यहाँ से आपका जो यूनिट एक्स एम यू जो है, जो पिज्जा है, उसका यूनिट से मैंने कंपेरिजन किया, फिर उसके बाद मैंने जो बर्गर है उसका यूनिट को इस तरह से कंपेरिजन किया है, तब ये आपका डायग्राम बना है। और जहाँ पे हमारा एम यू और एम यू एक्स और एम यू वाई कटेगा वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, वो जो कि 4 यूनिट था हमारा। ठीक है, तो यही प्रूव करना चाहता है। तो आप इसे अच्छे से समझें, ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी उपाय है। तो मैं इस डायग्राम को आपको अच्छे से एक तरीके से बताता हूँ। ये देखिए, पहले इस तरफ से देखिए, ये हो गया एक्स वाई, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले आप भूल जाइए कि इधर कुछ है। राइट साइड सिर्फ जो मैंने लाइन खींचा है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका मैंने गुड्स रख दिया एक्स, एक्स रख दिया, यहाँ पे मैंने एम यू एक्स और प्राइस रख दिया। आप देखिए एक पे आपको 20 मिला है, 2 पे आप 15 मिला है, इस तरह से आपका एम यू बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया खत्म, एक हो गया। अब मैं इसे देखिए, अब इधर से चलते हैं, अब इधर से देखिए यहाँ वाई है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 0 इधर से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब सोच लीजिए कि यहाँ से अब स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट हो रहा है डायग्राम। तो यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 0 लिखाता है, यहाँ से जब स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे 0 लिखाएगा, है ना। तो आप याद रखिएगा ये जो हमारा चल रहा है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे चलेगा तो ये एम यू जो है कैलकुलेशन पे ऐसे होगा। अब यहाँ पे याद रखना, इधर से गया, इधर से गया, जब इधर के लोगे, इधर के लोगे तो यहाँ पे कटेगा, तो ये आपका कंज्यूमर क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ही आसान है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो एंड दिस वीडियो इज आल्सो कंप्लीटेड, सो थैंक यू, थैंक यू। बट बिफोर थैंक यू, यू ऑल हैव टू राइट आल्सो दिस video, because this is very lengthy video, but this is very important and the detail. So make sure question will also come from this topic. Every topic is very important. So complete this. Thank you.